लुकेस मैं शुरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। एमसी स्टैन और गोरी नगोरी उड़ाते हुए दिखाई दिए सुंबुल का मजाक, वो भी पीठ पीछे शिव ठाकरे के साथ। चलिए आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस 16 के घर से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस एमसी स्टैन और गोरी जो है काफी सारी बातें करते हैं, और आप लोगों को पता है कि जब ये तीनों साथ में बैठे हो तो पूरे घर वालों के बारे में ढेर सारी गॉसिप करते हैं, और यही गॉसिप जो है ये डिस्कशन रूम में बैठे हुए कर रहे थे, जहां पर इनके बातों में जिक्र होता है सुंबुल का। और वो ये बात बोलते हैं कि भाई बातें कर रहे होते हैं वहां पर, एमसी स्टैन एक बात भी बोलते हैं कि भाई इसकी खुद की जिंदगी है सुंबुल की, इसको जो करना है वो करते रहना है, पर एक बात का बुरा लगा है कि भाई इसने अपने बाप की बात नहीं सुनी, बाप उसके पापा इतना सब चीजें बोल के गए, इसने वो बात नहीं तक सुनी, बस उस बात का बुरा लगता है। क्या ये शो से बढ़के है, क्या ये पापा से बढ़के है ये शो, उनकी इज्जत रखनी चाहिए थी। फिर इसी दौरान ही वो डिस्कशन करने लग जाते हैं कि बाबा जब ये लड़की घूम रही थी स्टेज पे, मैं सोच रहा था ये कौन है ऐसा, तब भी मुझे लगा कि भाई ये तो सुंबुल है, तब मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया। और गोरी भी वहां पर बोलती है तो हाँ, तो वो तो सब चीजें दिखाना ही था ना, तो ऐसे तो करते हुए सब जगह पर पूरे घर में घूमती रहती है ना ये, और वहां पर जो भी दिखाया वो तो सही तो दिखाया है। और काफी सारी इस टॉपिक को लेके वो सुंबुल के ऊपर हंसते हुए नजर आए हैं। हालांकि मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि यही बात जो है सुंबुल के फैंस को बहुत ज्यादा बुरी लगी है, और सुंबुल के फैंस ने बोला कि सलमान खान ने उनको डांटा, सलमान खान ने उनको समझाया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके बचपने को अंदर से मारो मत, ये सब चीजें मत करो कि किसी लड़की को घुमा के दिखा रहे हो कि भाई वो उड़ती फिरती है, यही चीज तो सुंबुल के फैंस को पसंद है, और इसी चीज के ऊपर मजाक उड़ाते हुए नजर आए एमसी स्टैन और गोरी नगोरी। अभी आपके क्या विचार है, कैसे आप जवाब देना चाहेंगे सुंबुल फैंस से, मैं पूछती हूँ, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।